हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बारबी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है इसलिए सब लोग सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और फिर तभी यहाँ पर मुन्ना की आँख खुल जाती है और वो उठ के कहीं पर जाने लगता है। सब लोग शोले है, खेली 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 करना, खेली खेली करना है, शोले खेली खेली करना है, चलो चलो ये। बैग ये सीडी का बैग, ए बी सी डी लिखना, हाँ ए बी सी डी लिखना है, ये ए बी सी डी लिखना है, सीडी का बैग ये, ए बी सी डी लिखना, ए बी सी डी लिखना है बुक में, ए बी सी डी, सूटी सोरी है ये, सूटी सोरी सोरी नहीं डांटेगी, नहीं डांटेगी, ए बी सी डी लिखना है, ए बी सी डी लिखना है। और फिर यहाँ पर मुन्ना स्वीटी के बैग में से बुक निकालने लगता है। बुक ए बी सी डी लिखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, लिख दिया ए बी सी डी, ये। अरे ये मुन्ना की इतनी जोर जोर से आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ा खुश दिख रहा है, देखती हूँ कहाँ पर है। अरे बाप रे, ये क्या, ये लड़का मेरे बैग के साथ क्या कर रहा है, लुक जाओ जाके देखती हूँ मैं। अरे ए, हे, इसने तो मेरा पूरा कॉपी गोद दिया। ए, मम्मी मम्मी, अरे तो मैं मुन्ना को छोड़ने वाली नहीं, उसकी हिम्मत कैसे है मेरी कॉपी गोदने की। मुन्ना लुक जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी कॉपी खराब क्यों की। ए ए स्वीटी, ए बी सी डी, अच्छा रुक जा बताती हूँ मैं तुम्हें, रुको कहाँ भाग ले उधर कहीं के, लुक जाओ मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुमने मेरा बुक गोद दिया पूरा, रुक जाओ रुक जाओ, अब मुझे टीचर कितना मारेंगी, रुक जाओ तुम। स्वीटी सोली 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 स्वीटी, अरे मोटे गिर के तुम्हें क्या लगता है कि शोली बोलने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लुक जाओ तुम कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ तुम टेबल पे क्यों नाच रहे हो, लुको खड़े रहो वहाँ पर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। अरे आज मैं तुम्हें इतना पीटूंगी ना कि तुम कभी मेरे बुक को हाथ भी नहीं लगाओगे। यहाँ पर ये भारी सा टेबल स्वीटी और मुन्ना के ऊपर गिर जाता है और उनका पैर भी तरीके से दब जाता है। बचाओ बचाओ कोई, स्वीटी पैर दुख रहा, बचाओ स्वीटी स्वीटी। अरे मुन्ना मैं तुम्हें कैसे बचाऊँ, मेरा भी पैर दबा हुआ है, बहुत ही दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी बचाओ। यहाँ पर मुन्ना और स्वीटी का पैर बहुत ही बुरी तरीके से दबा हुआ होता है। स्वीटी बचाओ बचाओ स्वीटी पैर दर्द हो रहा, स्वीटी बचाओ बचाओ स्वीटी, मम्मी बचाइए मम्मी। अरे ये स्वीटी की आवाज कहाँ से आ रही है, ये बच्चे भी ना सोने भी नहीं देते हैं, मैं सो रही हूँ। अरे मम्मी प्लीज उठिए ना, मुसीबत में है, प्लीज मम्मी उठ जाइए ना प्लीज। अरे क्या हुआ, स्वीटी तो रो रही है जैसे, वो मुन्ना की भी रोने की आवाज आ रही है, चलो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ, क्या बात है आखिर। और फिर यहाँ पर काजल उठ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, अरे ये तो बच्चे टेबल के नीचे फंसे हुए हैं, अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं जग गई, चलो मैं जल्दी से उठाती हूँ टेबल को। और फिर यहाँ पर काजल टेबल को उठाने लगती है। अरे रुक जाओ बच्चों, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं टेबल उठा दूंगी, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा सबर करो। अरे ये टेबल तो बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं क्या करूँ, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा है। अरे बच्चों ये टेबल तो मुझसे नहीं उठ पा रहा, रुक जाओ मैं जल्दी से सिद्धार्थ और पिंकी को उठा के लाती हूँ। सिद्धार्थ पिंकी जल्दी से उठ जाओ, सिद्धार्थ पिंकी, अरे ये लोग तो सो रहे हैं, मम्मी प्लीज जल्दी कीजिए, हमारा पैर बहुत ही दर्द कर रहा है, पैर पैर पैर। यहाँ पर दोनों बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। अरे हाँ बच्चों तुम दोनों थोड़ा सबर रखो, मैं अभी बुला के लाती हूँ दोनों को। अरे मैं क्या करूँ, इन दोनों के कमरे में जाऊँ क्या, नहीं नहीं चलो मैं यहीं से आवाज दे देती हूँ। स्वीटी सिद्धार्थ जल्दी से उठ जाओ, स्वीटी सिद्धार्थ उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। अरे ये तो भाभी की आवाज है, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया है, चलो मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ पर सिद्धार्थ भी उठ जाता है जल्दी से, चलो उठ जाता हूँ, क्या बात हो गई, चलिए चलिए पिंकी जी चलते हैं, क्या हुआ आखिर। सिद्धार्थ और पिंकी ये देखो, ये टेबल बच्चों के ऊपर गिर गया और ये बहुत ही रो रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या,
दादाजी कुछ कीजिए। रुक जाओ बच्चों, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम लोग हिम्मत से काम लो, ठीक है ना। और ये अगले बच्चों के ऊपर टेबल कैसे गिर गया। चलिए पिंकी जी भाभी मेरी मदद कीजिए जल्दी से टेबल को उठाने में, टेबल बहुत ही ज्यादा भारी है। आइए पिंकी जी। अरे हाँ सीताजी उठाती हूँ, थोड़ा सा और दम लगा के, हईशा दम लगा के। अरे देखिए सीताजी बच्चों का पैर तो बहुत ही जख्मी हो गया है। अरे बच्चों तुम सब ठीक हो ना? अरे ये क्या बच्चों के पैर में से तो अरे सिद्धार्थ तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से कुछ करो, जल्दी से कुछ करो, देखो ना कितना ज्यादा खून बह रहा है। बच्चों तुम लोग हिम्मत से काम लो, ठीक है ना। बचाओ बचाओ, चाचू मदद कीजिए, बहुत ही दर्द हो रहा है हमारा पैर, प्लीज कुछ कीजिए ना जल्दी से। अरे हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं अभी एम्बुलेंस का फोन लगाता हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ पे है, कहाँ पे? अरे हाँ शायद टेबल पे है, चलो जाता हूँ जल्दी से। बच्चों तुम लोग टेंशन मत लो, सिद्धार्थ जी गए हैं एम्बुलेंस को फोन लगाने के लिए, वो आ जाएंगे। आखिर बच्चों के साथ ही कैसे हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ भाभी आप सही है कह रही हैं, देखिए ना कितना ज्यादा जख्मी हो गया है। अरे आप सब हिम्मत से काम लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा रोइए मत, एम्बुलेंस आती होगी, मैंने फोन लगा दिया। और फिर यहाँ पर एम्बुलेंस जल्दी से आ जाती है। अरे सिद्धार्थ जी देखिए एम्बुलेंस आ गई है, अच्छा वो जल्दी से आ गई, बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, यहीं से कॉल आया था, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, लगता है बच्चे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अरे हाँ हाँ चलो चलो, चलिए चलिए भाई हम लोग आ गए हैं, जल्दी से बच्चों को स्ट्रेचर पर बिठा दीजिए, ठीक है ना। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अरे हाँ 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 मैं लेकर आ रहा हूँ, रुक जाइए आप साहब। चलो प्यारे मुन्ना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा डॉक्टर इलाज करेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ मुन्ना को स्ट्रेचर पर लेटा देता है। अरे भाई आप लोग जल्दी से एम्बुलेंस बिठाइए, अभी एक बच्ची और है वो भी घायल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ स्वीटी को भी लेने के लिए जाता है। चलो चलो मेरी प्यारी स्वीटी एम्बुलेंस आ गई है। अरे भाई देखो तो इन बच्चों का पैर तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। अरे हाँ जल्दी से बिठाओ, चलो चलो जल्दी करो, एक बच्ची और बाकी है, चलिए जल्दी से बिठाइए। अरे हाँ हाँ ठीक है, आराम से, चलो चलो भाई जल्दी चलो। और यहाँ पर मुन्ने के साथ स्वीटी को भी एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। हमने आपके बच्चों को एम्बुलेंस में बिठा दिया है, अब बताइए इनके साथ कौन जाएगा जल्दी से। अरे हाँ हाँ मैं जाऊंगा, चलिए जल्दी, आप ही चलिए एम्बुलेंस में बैठ के, अगर और किसी को आना होगा तो आ जाइएगा। अच्छा ठीक है भाभी पिंकी जी मैं जा रहा हूँ, आप लोग बाद में आ जाना, ठीक है ना, एम्बुलेंस में ज्यादा जगह नहीं है। और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ भी बैठ जाता है। चलो जल्दी से बंद कर देता हूँ, हमें जल्दी से जाना होगा हॉस्पिटल। पिंकी एम्बुलेंस तो चली गई, चलो हम भी ताला मार के जल्दी चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब